हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में और सहायक अभियोजन अधिकारी का जो एग्जाम पेपर दोस्तों मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में, तो 53 तक के प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम दोस्तों 54 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि यूके पीएससी आपके यह क्वेश्चंस को एग्जाम में रिपीट कर सकता है, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली याद करने हैं। इस सीरीज के ऊपर मैं कई सारी वीडियोस दोस्तों बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को भी हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों 7 नवंबर से हमारा प्रैक्टिस सेट का एक नया बैच शुरू हो रहा है जो कि यूके पीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की सबसे पहली महिला कौन थी दोस्तों? वो थी बिश्नी देवी शाह, जो कि 1932 में स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल गई थी। ठीक है, अब वहीं दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड की सबसे पहली महिला या उत्तराखंड की जेल जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो थी कुंती वर्मा, जो कि वन आंदोलन के दौरान में सबसे पहली बार जेल गई थी। लेकिन यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूछा गया, तो उस टाइम पर कौन गई थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह। और अगर ओवरऑल पूछेगा दोस्तों कि उत्तराखंड से जेल जाने वाली या उत्तराखंड में आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी कुंती वर्मा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्नांकित में से कौन से वन या कौन कम ऊंचाई पर होते हैं? बांज, देवदार, साल या फिर बुरांस? तो आपको पता है दोस्तों निम्नलिखित वृक्षों में से सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष होता है? साल का वृक्ष निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होता है? सबसे कम ऊंचाई पर होने वाला वृक्ष है। कौन सा? साल का वृक्ष। ठीक है, और बांज दोस्तों क्या है? हमारा ओक की, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें हमारा दोस्तों क्या होता है? एक बांझ भी होता है। ठीक है, आपने यह प्रश्न एक बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओक की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ओक की मेनली 3 प्रजातियां पाई जाती है, बांझ, मोरू और खरसू। ठीक है, और बांझ जो होता है यह पर्वतीय शीतोष्ण वनों के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई दोस्तों वैसे देखा जाए तो 1800 से लेकर के 2700 मीटर तक होती है। ठीक है, ऐसे ही बुरांस की अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो बुरांस की ऊंचाई भी ज्यादा होती है। ठीक है, यह उप एल्पाइन एवं एल्पाइन वनों में आता है, जो कि 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वन होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बाकी अगर दोस्तों देवदार की बात करें तो देवदार की ऊंचाई भी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू क्या? साल। तो साल क्या होता है? सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाता है, वो उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत साल आता है, जो कि 750 से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जा चुका है। और एक और एग्जाम्पल होता है चीड़। चीड़ क्या होता है दोस्तों? कौणधारी वनों का एग्जाम्पल होता है। तो सबसे कम ऊंचाई में दोस्तों इसमें से क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इनको दोस्तों ऊंचाई के अनुसार मिलाने का क्रम भी आएगा। तो साल सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाता है, इसके बाद में दोस्तों बांझ पाया जाता है, फिर देवदार और बुरांस। देवदार और बुरांस दोस्तों दोनों ही आपको बताया कि उपअल्पाइन एवं अल्पाइन वनों के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना है वो अलकनंदा नदी पर है, बनबसा जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है, चीला जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है और टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है। देखिए दोस्तों, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है, चमोली जनपद में, बिल्कुल सही है। चीला जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है, हरिद्वार में या पौड़ी गढ़वाल वाले एरिया में इसका विस्तार होता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और बिरंगना नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बनबसा जो है दोस्तों यह यमुना नदी पर नहीं है। तो बनबसा कौन सी नदी पर है? तो बनबसा दोस्तों हमारा क्या है? शारदा नदी पर है। क्या है? शारदा नदी पर है। और चंपावत जनपद में दोस्तों बनबसा जल विद्युत परियोजना हमारी स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, तो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की सबसे पहली फैक्ट्री दोस्तों झिरौली, जो कि कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जनपद के काफली गैर में। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। तो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ दोस्तों? झिरौली बागेश्वर में स्थापित हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी गढ़वाल जनपद, पौड़ी गढ़वाल था नैनीताल जनपद में स्थित है, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य नैनीताल जनपद में स्थित है, या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है?
देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कार्बी राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और नैनीताल जनपद में, बिल्कुल सही है दोस्तों। कार्बी नेशनल पार्क कहाँ? पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में हमारा कार्बी नेशनल पार्क का विस्तार पाया जाता है। और कार्बी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। नंधौर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों आपका नैनीताल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यह नंदौर वन्यजीव अभयारण्य नैनीताल और चंपावत जनपद में स्थित, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों चमोली जनपद में स्थित, बिल्कुल सही है। 1982 में हमारी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार जो है दोस्तों वह 3 जनपदों में पाया जाता है। कहाँ? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? 1983 में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। 1983 में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है और इसका विस्तार उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक राज्यपाल हाँ राज्यपाल या ऐसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, या कमिश्नर के नाम पर वाई या वाइसराय के नाम पर रखा गया था? तो राजगोपालाचारी जी के नाम पर क्या रखा गया था? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983 में दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की हमारी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है हमारा? इसका मुख्यालय दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, और विस्तार देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल 3 जनपद में इसका विस्तार दोस्तों पाया जाता है। उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्यजीव विहार हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नंदा राज्यांत यात्रा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो नंदा राज्यांत यात्रा का आयोजन दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, नंदा राज्यांत यात्रा, ठीक है, कुल इसमें 21 से 22 पड़ाव होते हैं दोस्तों। चमोली जनपद में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और चमोली जनपद में नौटी से दोस्तों यह हमारी नंदा देवी राज्यांत यात्रा शुरू होती है। 280 किलोमीटर की आपकी लगभग ये यात्रा दोस्तों होती है। ठीक है, और छोटी नंदा राज यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सतोपंत हिमनद से अलगना नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। खतलिंग हिमनद से भिलंगना नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। पिंडारी ग्लेशियर से या हिमनद से पिंडर नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिलम ग्लेशियर से रामगंगा नहीं दोस्तों, मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा, क्या गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है? कहाँ से? मिलम ग्लेशियर से। कौन सी नदी का? गौरी गंगा नदी का। ठीक है, और वहीं पूछा जाएगा कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम दोस्तों जो हमारा होता है नामिक ग्लेशियर से होता है। कौन से ग्लेशियर से? नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और पूर्वी रामगंगा नदी के उद्गम में ही दोस्तों कभी कभी आप मानिक भी नाम सुनेंगे या पॉन्टिंग पॉन्टिंग हिमनद से भी इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो नामिक ग्लेशियर या हिमनद या पॉन्टिंग हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिलम हिमनद से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है और पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम नामी ग्लेशियर या पॉन्टिंग ग्लेशियर से होता है। सतोपंत हिमनद या ग्लेशियर दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है। और मिलम ग्लेशियर दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नामी ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पॉन्टिंग ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध परियोजना दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यह परियोजना बननी थी लेकिन अभी बन नहीं पा रही है, और अगर यह परियोजना बन जाती तो यह एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होती। ठीक है, और यह किस नदी पर दोस्तों यह प्रस्तावित है? तो यह काली नदी पर प्रस्तावित है, काली या फिर शारदा, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप इसको सही कर सकते हैं। और यह पंचेश्वर बांध किस जनपद में स्थित है? दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है यह पंचेश्वर बांध। ठीक है, पंचेश्वर डैम यहां पर बनाने की मांग की जा रही है, नेपाल देश के सहयोग से बनाया जा रहा था। ठीक है, और पंचेश्वर में क्या दोस्तों, इसके पास में चौमू देवता का मंदिर भी स्थित है चंपावत जनपद में। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी गंगा नहर, रामगंगा नहर, शारदा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर है दोस्तों कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, आप सभी लोगों ने इस नहर के बारे में पढ़ा होगा, प्रॉबी काटले था दोस्तों उसके द्वारा इस नहर को बनाया गया था, इसी कारण उसे उत्तराखंड का भागीरथ की संज्ञा दी गई थी। और इस नहर का निर्माण कार्य वैसे 1842 से टेम्परेरी रूप में शुरू हो गया था और बाद में 1842 से परमानेंट रूप में इस नहर का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड या ब्रिटिश प्रशासन में सबसे पुरानी नहर के रूप में जानी जाती है। अच्छा प्रश्न है भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाव, उपराऊ, कुटिल या इजरान। तो उत्तराखंड में दोस्तों सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाऊ भूमि कहा जाता है। ठीक है, सिंचित भूमि को तलाऊ भूमि कहा जाता है, जो कम सिंचित होती है दोस्तों उसे उपराऊ भूमि कहा जाता है, और जो बंजर भूमि होती है दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे इजरान भूमि कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जो भूमियों का वर्गीकरण होता है वह इसी प्रकार से होता है कि जो
सर्वाधिक आपका सिंचाई की व्यवस्था होती है, सर्वाधिक सिंचित भूमि होती है उसे तालाब भूमि कहते हैं, और जो असिंचित भूमि होती है जो ऊपरी भागों में मिलती है उसे उपराऊ भूमि कहते हैं, और तीसरा क्या होता है आपका इजरान भूमि, जो बंजर भूमि होती है उसे इजरान भूमि कहते हैं, ठीक है। और घर के समीप जो भूमि होती है उसे घरिया भूमि कहते हैं, मध्य में जो भूमि होती है उसे बिजलिया भूमि कहते हैं, और वनों से लगी भूमि को बुनिया भूमि कहते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डोडीताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित, बिल्कुल सही है दोस्तों। रूपकुंड चमोली जनपद में स्थित, बिल्कुल सही है दोस्तों। और तड़ागताल अल्मोड़ा में स्थित, बिल्कुल सही। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो श्यामला ताल है यह दोस्तों कहाँ स्थित है? यह चंपावत जनपद में स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग, ठीक है। तो इसका दोस्तों मैंने आपको क्रम भी बताया था उत्तर से दक्षिण के क्रम में, कि सबसे उत्तर में आता है क्या विष्णुप्रयाग, उसके बाद में क्या आता है दोस्तों पंचप्रयागों में नंदप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद में आता है क्या विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर आएगा क्या रुद्रप्रयाग, और उसके बाद में आता है दोस्तों आपका क्या देवप्रयाग। तो सब पंचप्रयाग में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है, और अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी के संगम पर स्थित है, पश्चिमी धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है विष्णु प्रयाग। उसके बाद में आता है नंद प्रयाग, यह भी चमोली जनपद में स्थित है, और यह अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अगला आता है कर्ण प्रयाग, तीसरे नंबर का प्रयाग, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, और अलकनंदा तथा पिंडर नदी या फिर अलकनंदा और कर्ण गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगला आता है दोस्तों रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, और रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उसके बाद सबसे कम ऊंचाई पर स्थित प्रयाग को कहें या सबसे दक्षिण में स्थित प्रयाग कहें तो वह है दोस्तों क्या आपका देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। यह दोस्तों आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में आता है, और यहीं से आगे फिर हमारी भागीरथी नदी को, अलकनंदा नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग विष्णु प्रयाग, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित प्रयाग इनमें से पूछेगा चार ऑप्शन में से तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, वरना सबसे कम ऊंचाई पर आपका क्या है देवप्रयाग है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती है? देखिए काली और सरयू आपस में मिलती है, ठीक है। काली नदी को ही, काली की एक सहायक नदी है सरयू आप ही कह सकते हैं, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है नयार नदी भी आपस में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है दोस्तों टोंसी भी आपस में मिलती है। तो कौन सी नहीं मिलती है? कोसी और गगास दोस्तों आपस में नहीं मिलती है, क्योंकि कोसी का उद्गम कौसानी धारपानी धार से होता है, फिर ये आपका रामनगर से होकर राज्य से बाहर हो जाती है, और वहीं जो गगास नदी है दोस्तों यह गगास नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यह पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, तो ये दोनों नदियां कभी भी आपस में नहीं मिलती है, ना ही एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न देखिए कितने अच्छे लेवल का प्रश्न है, अगर आपने डिटेल्स में चीजें पढ़ी होंगी ना कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, तभी आप इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवा रहा हूँ, क्योंकि यूकेपीएससी का पैटर्न आपके आगामी एग्जाम्स में यही रहेगा, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के देखिए काली नदी सरयू काली की सहायक नदी है तो सही हो गया, नया गंगा की सहायक नदी है बिल्कुल सही हो गया, यमुना की सहायक नदी टोंस है बिल्कुल सही है, कोसी की सहायक नदी दोस्तों गगास नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कोसी कौशिला कहा जाता है, इसकी सहायक नदियां देवगाड़ मिलोनगाड़ सुमालीगाड़ है, ठीक है। और जो आपका गगास नदी है यह किसकी सहायक नदी है? बिरमा बिनो गगास, यह पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसे रथवाहिनी भी कहा जाता है। तो ये दोनों नदियां कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? आप देखिए दोस्तों यह भी कितना अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी आपका क्या होता है हिमनद से नहीं निकलती है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी, गोरी गंगा नदी या फिर भागीरथी नदी? तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा प्रश्न लगा दोस्तों। अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको इसके आंसर्स दोस्तों पता होने चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए पूर्वी रामगंगा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो मैंने आपको बताया था नामिक हिमनद से यह पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है। नामिक हिमनद या फिर पॉन्टिंग हिमनद दोनों ही कहा जाता है, नामिक हिमनद या पॉन्टिंग हिमनद, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पश्चिमी रामगंगा नदी की बात करें दोस्तों, तो यह पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा नदी, जिसे रतवाहिनी नदी भी कहा जाता है, यह दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। गोरी गंगा नदी की बात करें तो गोरी गंगा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है। भागीरथी नदी की बात करें दोस्तों, भागीरथी नदी उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री के पास में स्थित गौमुख से निकलती है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर के ही एक पार्ट से निकलती है। देखिए अब पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नामिक या पॉन्टिंग हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है, ये तो निकलती है। गौरी गंगा नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है, ये भी निकलती है। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर का एक पार्ट है, ये भी हिमनद से निकलती है। तो कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है दोस्तों? तो पश्चिमी रामगंगा नदी आपका हिमनद से नहीं निकलती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए दोस्तों बहुत अच्छे ही प्रश्न हैं, और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नांकित
उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शैलेश मटियानी, सुमित्रानंद पंत जी, विद्यासागर नौटियाल जी को या मंगलेश डबराल जी को? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड से सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? हमारे सुमित्रानंदन पंत जी थे। तो यह प्रश्न तो दोस्तों कुछ है ही नहीं एक हिसाब से अगर हम बात करें इसके बारे में, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन थे दोस्तों? वह थे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। और इन्हें किस रचना के लिए दोस्तों? इन्हें इनकी रचना चिदंबरम के लिए, क्या इनकी रचना चिदंबरम के लिए दोस्तों 1968 में, कब 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आपको यह प्रश्न याद रखना है सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। ठीक है, इन्हें गुसाई या गोसाई या गुसाई सह के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था और उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1961 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, आप लोग वह पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार दोस्तों शैलेश मटियानी को कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? ठीक है, FRI, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय वन्य जीव संस्थान दोस्तों हमारा कहाँ, सॉरी, ये भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है दोस्तों, क्या FRI, ठीक है, FRI कहाँ स्थित है? यह देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, और FRI की, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में दोस्तों भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई थी, आपको यह याद रखना है। और वैसे इसका जो मेन, हमें पता है कि दोस्तों 1872 की इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में 1906 में मेनली इसकी शुरुआत होती है भारतीय वन्यजीव संस्थान की, जिसे FRI भवन के नाम से भी जाना जाता है। गौथिक शैली में यह बना हुआ है दोस्तों, इसके गेट को ब्रैंडिस गेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा वो वीडियो देख लीजिएगा, उत्तराखंड में वनों का इतिहास भाई, उत्तराखंड जीके वैरी जी, ठीक है, आप सर्च करिएगा। उसमें मैंने सारे ये जो फैक्ट है दोस्तों, छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वह करवाए हुए हैं, तो वो फैक्ट्स आप दोस्तों वहां से देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, छांचरी क्या है? चांचरी या फिर दोस्तों यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चांचरी, ठीक है, तो चांचरी क्या है दोस्तों? एक नृत्य शैली है। ठीक है, चांचरी क्या है? एक नृत्य शैली है। ठीक है, झोड़ा चांचरी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो झोड़ा चांचरी ये सब क्या होता है? एक नृत्य शैली होती है। ठीक है, नृत्य शैली या फिर इसमें गायन भी किया जाता है, फिर नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, और चांचरी तो काफी फेमस है दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की दृष्टि से, या उत्तराखंड के अगर हम देखें कोई भी अगर उत्सव हमारे वहाँ पे होता है, कोई भी मेला का आयोजन होता है, तो वहाँ पे चांचरी और झोड़े चांचरी इन सभी का दोस्तों क्या गायन किया जाता है और इन पर नृत्य किया जाता है। तो उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व वाले लेसन से दोस्तों हमारा ये संबंधित है कि उत्तराखंड के नृत्य और उत्तराखंड के गीत वाला जो पोर्शन है, यहाँ से भी हर एग्जाम में दोस्तों एक हमारा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, जैसे कि चांचरी क्या होता है, या हमारा प्रेम या प्रणय गीत के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चौफला होता है, झोड़ा होता है, भौनी होता है, भगनौल होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के गीत या नृत्य शैली वाले गीत होते हैं, नृत्य एवं नाटक होते हैं, तो चांचरी भी क्या है? एक नृत्य शैली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, या आपसे चांचरी ये पूछ सकता है कि क्या है? एक हमारा संगीत या लोकगीत है, या संगीत कला है, नृत्य एवं नाटक है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में स्थित है, याद रखना है आपको। ठीक है, वहीं पूछा जाता नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो वह कब किया गया दोस्तों? 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। और ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो कहाँ स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का दोस्तों मुख्यालय हमारा कहाँ? चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, एक सिंह वाला भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो एक सिंह वाले भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास दोस्तों कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है, जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2021 में किस देश ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा जीती गई थी, इंडिया को इसने हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती थी? तो वह टेनिस खिलाड़ी कौन था जिसने एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती? वो थे कौन? राफेल नडाल।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई थी। तो वंदना कटारिया ने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई थी, उत्तराखंड से इनका संबंधित संबंध है, हरिद्वार से। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 1924 में हुई थी, कब 1924 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसमें से दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय आपका जो खेल है वो है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ था? यमुना, भागीरथी, कोसी या फिर मंदाकिनी। तो केदारनाथ कहाँ पड़ता है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है केदारनाथ धाम, ठीक है। और केदारनाथ धाम के पास में ही दोस्तों जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वहां से हमारा क्या मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो मंदाकिनी नदी के कारण ही दोस्तों हमारा क्या हुआ था, केदारनाथ आपदा जून 2013 में आई थी। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। करीबन करीब 5000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण क्या है दोस्तों? मंदाकिनी नदी में आकस्मिक बाढ़ था, या ग्लेशियर पूछेगा तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के कारण हमारा केदारनाथ आपदा आई थी। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ठीक है, तो वैसे तो साइंस आपके सिलेबस में दोस्तों है नहीं, फिर भी एक से दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ठोस माध्यम में होती है, यानी कि धातु माध्यम में ध्वनि की चाल आपकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। विटामिन B12 में क्या होता है दोस्तों? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग में आती है वो है एथिलीन और एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, इसका दोस्तों यह फॉर्मेल्डिहाइड का एक जलीय विलयन है, क्या फॉर्मेलिन, ठीक है। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है दोस्तों? तो पानी का जो शुद्धतम रूप या सर्वाधिक शुद्धतम रूप माना जाता है वो माना जाता है क्या, बरसात का जल, ठीक है। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों धोने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट साइड Na2CO3 होता है, ठीक है, .NH2। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है दोस्तों वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, आप लोगों को बताइए। अगला प्रश्न है, समल भोजिता किसमें देखी जाती है? तो समल भोजिता दोस्तों आपका क्या, खरगोशों में देखी जाती है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु के दोस्तों एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो होता है गोल्जी काय में, कहाँ पे होता है, गोल्जी काय में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यह न्यूमेरिकल है कि यदि किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड है तो इसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी? तो फॉर्मूले से ये प्रश्न करोगे तो आप 125 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इतना ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में पहले मध्यावधि चुनाव दोस्तों 1971 में हुए थे, ठीक है, मध्यावधि चुनाव। अगला प्रश्न है, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो भारत में हाईकोर्टों की संख्या दोस्तों कितनी है, 25 है। और सर्वाधिक जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वह किस राज्य के उच्च न्यायालय का है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दोस्तों सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है, और करीबन करीब 7 राज्यों में दोस्तों इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। इसी कारण सर्वाधिक न्यायिक क्षेत्राधिकार वाला जो हमारा उच्च न्यायालय है वो कौन सा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज दोस्तों क्या है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पंचायती राज क्या है दोस्तों, किस राज्य सूची का यह विषय है, आर्टिकल 243, ठीक है, और अनुसूची 11 आपको पता है, ठीक है, जिसमें कुल कितने 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? मेघालय, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम। तो ठीक है, तो दोस्तों गोवा राज्य में हमारा संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे कौन थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले क्या थे, राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992-93 में किया गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा गया, 73वें संविधान संशोधन -++ में वर्णित किस अनुच्छेद में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए किया था? तो दोस्तों आर्टिकल 40 आपको बताइए, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो आर्टिकल 40 में हम पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 40 से ही दोस्तों ग्राम पंचायतों से ही संबंधित है दोस्तों क्या हमारा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और पूरे भारत में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। इसीलिए दोस्तों यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 40। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के समक्ष या सम्मुख पेश किया जाता है? तो 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, दोस्तों जिसे हम कैग बोलते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में हमारे कैग हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी? 1987 से हुई थी। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? तो इसमें से दोस्तों पारसी भाषा आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दोस्तों मान्यता दी गई है, इसमें संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, हिंदी या सभी भाषाएं हैं, पारसी भाषा क्या है? नहीं है। तो यह दोस्तों सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगली वाली वीडियो में हम किसी अन्य पेपर के बारे में बात करेंगे और उससे भी दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो भी यूकेपीएससी का लेवल रहता है उसी प्रकार के प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ हमें जरूर शेयर करें, और आप लोगों के सपोर्ट की हमें जरूरत भी है दोस्तों, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों 7 तारीख से दोस्तों हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है प्रैक्टिस सेट का, तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जीटी को डाउनलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।